हेल्पेज इंडिया नाम की एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था जो बुजुर्गों के लिए न्यछार है। बुजुर्गों के रहन सहन, घरों में उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, ओल्ड एज होम कैसे रहते हैं बुजुर्ग, कैसे इनकी मदद की जाए, इन सभी बातों को समावेशित कर हेल्पेज इंडिया पूरे 28 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है। अलग अलग राज्यों में इनके स्टेट हेड नियुक्त किए गए हैं जो राज्यों के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण कर बुजुर्गों की सुधि लेते हैं। आखिर क्या है हेल्पेज इंडिया का उद्देश्य और क्यों यह केवल बुजुर्गों पर ही करते हैं फोकस, तमाम सवालों के साथ आज हमने बात की हेल्पेज इंडिया के छत्तीसगढ़ स्टेट हेड शुभंकर विश्वास से। आइए कराते हैं आपको भी रूबरू इनके उद्देश्यों से। शायद इनकी बातों को सुनकर बुजुर्गों के प्रति आपके सोचने, समझने और देखने का नजरिया बदल जाए। इंडिया पिछले 42 साल से बुजुर्गों के लिए ही काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के साथ काम कर रहे हैं। हम कहते हैं वी वर्क फॉर एयर हेल्पेज फॉर विद द सीनियर सिटीजन एंड फॉर सीनियर सिटीजन। इसका उद्देश्य दो है। एक है, जब हमारी शुरुआत हुई थी 1978 28 अप्रैल को जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस समय अगर हम देखें तो वहाँ समय परिस्थिति ऐसे नहीं थी। बुज़ुर्गों को एक घर में एक माहौल था, जब देखभाल किया जाता था उनका सम्मान होता था। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गई, विकास होते गई, तो हमारे स्पेस कम होते गया, बुज़ुर्गों को नेग्लेक्टेड होना और आइसोलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि पहले बुज़ुर्ग अपने घर ही में रहते थे, अब फ्लैट के वजह से वो क्या है, घर में जगह ज़्यादा नहीं है, बुज़ुर्गों के लिए अलग एक सिस्टम भी नहीं है, तो परिस्थितियाँ बदल रहे हैं। अब जब कोविड की बात करें, कोविड अगर देखें तो देखा गया है सबसे वल्नरेबल है हमारे सीनियर सिटीजन। और क्या है, ये समय वो घर ही में रहते हैं। अगर कोविड बिना देखें तो लोग बाहर जाते थे, हमारे सीनियर सिटीजन बाहर घूमते थे, तो कुछ समय कट जाता था। अभी घर में ही रहते हैं, हम मना करते हैं आप बाहर मत जाइए, क्योंकि कोविड उन्हीं को पकड़ रहे हैं जो जिनका इम्यूनिटी कम हो, वो 5 के नीचे बच्चे और 60 के ऊपर हमारे जो सिटीज़न हैं। तो सीनियर सिटीज़न के लिए हेल्पेज क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने अवेयरनेस किए कि सीनियर सिटीज़न को कैसे, हमारा ये जो आदत है, जो सैनिटाइजेशन की जो हैबिट है वो हम नहीं करते थे, अब उनको ये सिखाया गया है कि भाई आप दूर से ही नमस्कार कीजिए या प्रणाम कीजिए, टच मत कीजिए। क्योंकि आप अगर भारत की परंपरा देखेंगे तो टचिंग करना एक बहुत कॉमन एक एलिमेंट है। तो अभी कोरोना के चलते हम कहते हैं कोरोना सम्मान कीजिए, दूर से ही आप प्रणाम कीजिए, पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करते हैं, पहले बहुत बात हो रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एक वो बात ही वो गलत है। लोग अभी हमारे सीनियर सिटीजन को छू ही नहीं रहे हैं। अरे उसको छूने से, अरे ये तो वल्नरेबल है और उसको छूने से ही शायद कोरोना हो जाएगा। तो मीडिया से मेरी यही विनती है कि ऐसा शब्द न व्यवहार करें या ऐसा न बोले, ताकि हम कोशिश करें मेन स्ट्रीम या सीनियर सिटीजन को समाज में जुड़ने का, समाज के साथ यानी कि परिवार के साथ रहने का। क्योंकि उसको अगर हम अलग कर दें तो वो उनका आइसोलेशन का शिकार होता है और अब्यूज़ का भी शिकार होता है। कोविड के वजह से हमने ये देखा है, एक ऐसा बन गया है माहौल जहाँ पे फैमिली एक साथ रहते हैं, वो बुज़ुर्ग को भी ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की ज़रूरत होता है। तो बुज़ुर्ग अपने ज़माने की बात करते थे और आज के जो छोटे बच्चे हैं वो इरफान खान की बात करते हैं, तो वो राज कपूर के बात करते थे, वो कनेक्ट नहीं होता था। तो कोविड ने ये दोनों के बीच में, बुज़ुर्ग भी इरफान खान को अच्छा लगने लगा और ये बच्चा भी राजकुमार के टाइम की फिल्म देखने लगे। तो कोविड एक ऐसा माहौल बना दिया है कि दोनों जो जेनरेशन है, दोनों जेनरेशन एक साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं। कुछ ना हो तो लोग एक साथ खाना भी खा रहे हैं, क्योंकि समस्या बहुत है, गंभीरता बहुत है। अब जब हम हेल्पेज की बात करते हैं, हम लोग तो ये कर ही रहे थे, हमने एक छोटा सा एक्टिविटी शुरू किया था भाटापाड़ा में। और ये एक स्टोरी मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि देखिए, हमारे सीनियर सिटीज़न को जिसको हम बोलते हैं नेगलेक्ट, ये कुछ काम का नहीं है।
2018 में जब हम, आप लोग जरूर सुने होंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं का ग्रुप बहुत पॉपुलर है, माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ में ये काफ़ी पॉपुलर है, तो 45 के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। 45 के बाद फिर वो, हम बात करते थे पॉवर्टी के, तो फिर वही महिला समूह जो छोड़ दिए हैं वो वही जगह पर आ गए। तो हमने शुरू किया एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप, और एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप 2018 में जो गोधुली के नाम से जब शुरू हुई, तब लोगों समझने लगे अरे ये क्या होगा, इससे क्या होगा। लेकिन वही एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप अब इतने एम्पावर्ड हो गए हैं, 22 तारीख की अप्रैल की घटना है कि वो ग्रुप पहले किसी से बातचीत तो करती नहीं थी, कोई काम का नहीं था। हमारे जो पंचसूत्र है वो पंचसूत्र के द्वारा इन्होंने वो ट्रेनिंग दिया गया था, क्योंकि ये लोग पहले ही महिला समूह से जुड़े हुए थे, उन लोगों को पता ही नहीं था। और एक घटना हुई, दुखद घटना घटी 22 तारीख को, समूह के एक सदस्य के हाई ब्लड प्रेशर के वजह से उनके गुजर गए, और ये समूह के लोग सब मिलकर उनका दसगात्र या उनकी जो राशि, ये सारा समूह के लोग एक साथ मिलकर इन्होंने किया। तो पॉवर्टी, यहाँ पे एक सोशल मैसेज जा रहा है कि अगर हम सीनियर सिटीजन को भी और या एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अगर हम एम्पावर करें, उनकी राइट्स और एंटाइटलमेंट्स की बात करें, तो आज देखेंगे वो, आप उनको छोड़ मत दीजिए, उनको ये पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी एलिवेशन की बात हम करते हैं तो उनको हाथ लेकर चलिए, और उनको सामाजिक जो जागरूकता है उसको उनसे जोड़िए, और देखेंगे ये सीनियर सिटीजन भी समाज के एक अंग हो रहे हैं एंड दे आर स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। हाँ देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार काफ़ी सेंसिटिव हैं हमारे सीनियर सिटीजन को लेकर, उन्होंने काफ़ी कुछ व्यवस्था किए हैं ताकि वो वल्नरेबल हैं, वो स्वीकार करते हैं, वो बाहर ना आए, उनके लिए दवा उनके घर तक पहुंचाना ये भी हो रहा है, पर्याप्त खाना उन पर उन तक पहुंच रहा है। कुछ सीनियर सिटीजन हैं जो भिलाई में रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं, और उनके घर में सामान पहुँचाना, सब्जियाँ पहुँचाना, खाने रेडीमेड खाना, वो भी व्यवस्था है। अब अगर बात करें हेल्पेज की, क्योंकि अभी सरकार ने रोक रखे हैं कि कोई एनजीओ काम नहीं करेगा, हाँ ये भी सही है कि एनजीओ, अभी सारे एनजीओ अगर फील्ड में उतर जाएं तो ये लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं रहेगा और ये जो संक्रमण है वो और बढ़ेगा। हेल्पेज जो अवेयरनेस लेवल पर जो अवेयरनेस किए हैं, जब शुरुआत हुई थी वो तो कर ही रहा है, और अपने लेवल पर हमारे एक एल्डर सेल्फ हेल्पलाइन है, जिसके ज़रिए हम अभी भी हमारे जो बेनिफिशियरीज़ हैं, हमारे जो सीनियर सिटीज़न एसोसिएशंस के मेंबर हैं, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि वो आइसोलेटेड फील ना करें, लोनलीनेस ना फील करें, कि उनके साथ कोई है, संपर्क में है, उनकी कोई भी ज़रूरत हो 104, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है उसके साथ उनको जोड़ देना कि कोई आवश्यकता है, हम तो नहीं बाहर, हेल्पेज वाले नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हेल्पेज वाले वो माध्यम है जो कनेक्टिविटी बना देते हैं। सरकार के बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अब हमारे बुजुर्ग कन्फ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर जाएंगे, तो हमारे हेल्पलाइन पर वो फोन करते हैं, संदीप मिश्रा जो हमारे हेल्पलाइन काउंसलर हैं वो उनसे बात करते हैं, और जिस प्रकार की नीड होता है उसको उस प्रकार पर कॉल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या खुद ही वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर वी गेट बैक टू द सीनियर सिटीजन। तो ये काम तो हो ही रहा है। सर्वाइवल किट की अगर बात करें, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि साबुन चाहिए, वो ये सैनिटाइज़र चाहिए, सैनिटाइज़र की बात उन्होंने सुना ही नहीं था, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाएंगे वो साबुन व्यवहार नहीं करते हैं, तो हम अब उनको वही सिस्टम में लाना पड़ रहा है कि भाई आपको साबुन यूज़ करना है, सैनिटाइज़र किस तरह यूज़ करना है, ये भी हम, हमारा एक मोबाइल मेडिकल वैन है जो मेडिकल वैन इस तरह का अवेयरनेस कर रहा है, क्योंकि अभी हम कोविड को लेकर इतना चिंतित हैं कि हम लोग जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसको हमने रद्द कर दिया है, क्योंकि सरकार खुद ही मेडिसिन उनके पास पहुंचा रहे हैं, और हमारा सिर्फ अवेयरनेस और थ्रू टेलीफोन के माध्यम से ही हम कर रहे हैं। मैं शुभांकर विश्वास हूँ, हेल्प एज इंडिया के छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड। छत्तीसगढ़ में हमारा
चार पांच एक्टिविटी सीनियर सिटीजन को लेकर हो रहा है, जैसे एक मोबाइल मेडिकल वैन चलता है रायगढ़ में, और रायपुर में देखेंगे तो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर में एक सीनियर सिटीजन सेल है। होल डे हमारे करीब 14 से 15 कॉल आता है। जनरली ये कॉल इसलिए किया सेटअप किया गया है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जो किसी से बात करना चाहते हैं, उनके पास डाटाबेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जानकारी नहीं है, क्योंकि घर के लोग सब काम में व्यस्त रहते हैं बांटते ही कर, तो हमारा काउंसलर उनको ये मदद देते हैं। बहुत विवाद होता है तो विवाद ज़मीन को लेकर या घर में, तो ये पुलिस के साथ कनेक्टिविटी बने रखना। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस जिसको कहते हैं, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल और हेल्पेज। सिर्फ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस जो हैं, जो एक फैमिली काउंसलिंग के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, वो हेल्पलाइन ही करता है। हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर्स यहाँ पे है, जैसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन को देखा गया है कि पेन होता है, आर्थराइटिस, वो डिजेनरेटिव एक डिजीज़ है, उसको कंटिन्यूअस फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। हमारे कुछ ओल्ड एज होम हैं जहाँ हमारा फिजियोथेरेपिस्ट जाता है और उसको रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो अभी पेन में ठीक है, ऐसा भी है। फिर हमारा एक क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी के बाद हमारा हेल्पलाइन भी है। ये जो एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये भी एक बहुत एक बड़ा एक्टिविटी है जो हमारा भाटापाड़ा में है। इसमें करीब 600 सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं और ये एक अपने में एक कम्युनिटी बना के रखे हैं। कुछ भी होता है तो ये लोग आपस में बात करते हैं और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उनके मांग को रखते हैं। यही है हेल्पेज का काम। और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो करीब 26 लाख सीनियर सिटीजन हैं और 15% शहर में रहते हैं, 85% गांव में ही रहते हैं, तो उनको जागरूकता है ही नहीं कि सीनियर सिटीजन के। सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं लेकिन वो स्कीम्स कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, नहीं जानते हैं। तो ये फ़ोन करते हैं हमारे हेल्पलाइन में, हेल्पलाइन उनको जानकारी देते हैं और ये भी हमारा भी काम है, वो हम गांव में स्तर पर जाके हम उनको जानकारी देते हैं कि ये आप पेंशन्स को जोड़ना, किसके पास जाएंगे, पेंशन में कितने हितग्राही हैं, कितने को पेंशन मिल रहा है, इस पर भी हम लोग निगरानी रखते हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें वो पिता माता भरण पोषण अधिनियम है, उसमें कहा गया है कि हर हॉस्पिटल में सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग वार्ड होगा या बेड होंगे, वो संरक्षित रखेंगे, वो हो रहा है पीला कार्ड। तो ये सब व्यवस्था जो मैनिफेस्ट जो इसमें है पॉलिसी में, उस पॉलिसी का सही लागू हो रहा है या नहीं, वो भी हम इस साथ साथ करते हैं और सरकार के साथ मिलकर हम सहयोग करते हैं कि ताकि सीनियर सिटीजन हमारे जो छत्तीसगढ़ के हैं वो आराम से अच्छे से अपने दिन बिता सकें। पूरे भारतवर्ष में कभी करीब 28 राज्य हैं, 28 राज्य में हमारा ऑफिसेज हैं और इस हर ऑफिस हर स्टेट के एक स्टेट हेड होता है और स्टेट हेड क्योंकि विभिन्नता इतना है, एक स्टेट आप अगर पहाड़ी स्टेट देखेंगे उसकी जो मांगे हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, छत्तीसगढ़ की अलग हैं, ईस्टर्न रीजन की जो आसाम बोले या बंगाल बोले उनकी मांगे अलग हैं, तो हर स्टेट अपना स्ट्रेटजी अपना नीड प्रिपेयर करते हैं और उस नीड को कलेक्टिवली उसको हेड ऑफिस जो हमारे दिल्ली में है वहाँ भेजा जाता है। फिर वहाँ से हम लोगों की पॉलिसी बनती है, स्टेट से ही जाता है और स्टेट वो पॉलिसी को लागू करने के लिए क्या ज़रूरतें हैं उस हिसाब से वो काम करते हैं। सो स्टेट इज़ एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, वो जिस स्टेट जिस ज़रूरतें हैं वहाँ की उस हिसाब से ही वो बजट बनता है। प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों के लिए कोई ना कोई नियम कानून बने हैं लेकिन बुजुर्गों के लिए नहीं। अगर प्रदेश सरकार बुजुर्गों को लेकर भी कोई नियम बना दे तो हो सकता है कि शायद इनकी जिंदगी में भी बदलाव आ जाए। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज में। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।